हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टॉपिक्स पर। यदि आप किसी पावर प्लांट रिलेटेड इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमारी ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा आज का टॉपिक है स्टीम बॉयलर। लेट अस स्टार्ट। स्टीम बॉयलर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बॉयलर मींस बॉइलिंग। बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें बॉइलिंग होती है। वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है एक रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पर। अब हम देखेंगे ये रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है। ये रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर बॉयलर कैपेसिटी और प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। ये रिक्वायर्ड प्रेशर 10 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, इट मे बी 50 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मे बी 100 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। डिपेंड करेगा ऑन कैपेसिटी एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह रिक्वायर्ड टेम्परेचर में ऑल्सो बिटवीन 150 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। अब हम इस डायग्राम पर आते हैं। ये पावर प्लांट का वाटर और स्टीम फ्लो डायग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायग्राम में डी मिनरलाइज्ड वाटर प्लांट DM वाटर प्लांट दिखाया गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस DM वाटर प्लांट? DM वाटर प्लांट बॉयलर को वाटर देता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम DM वाटर का यूज क्यों करते हैं? इसका रीजन आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में दिखाया गया है। हम DM वाटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल वाटर में मिनरल्स की वजह से वाटर ट्यूब्स में स्केलिंग हो सकती है और बॉयलर की हीट ट्रांसफर कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, DM वाटर को पंप के द्वारा जनरेटर टैंक में पहुंचाया जाता है। डायग्राम में DM वाटर ब्लू रोज से शो किया गया है। वाटर जनरेटर टैंक में स्टोर हो जाता है, जैसा कि आप ब्लू डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। जनरेटर टैंक से ये वाटर फीड वाटर पंप्स के थ्रू बॉयलर में भेज दिया जाता है। ये वाटर इनलेट द्वारा शो किया गया है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्यूल कंबस्शन चेंबर में बर्न होता है, इसे फर्नेस भी कहते हैं। यहाँ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर को ब्लू रोज के द्वारा शो किया गया है और स्टीम को रेड रोज के द्वारा शो किया गया है। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टीम को पाइपलाइन के द्वारा टर्बाइन में दे दिया जाता है, जैसा कि रेड पाइपलाइन और रेड रोज के द्वारा शो किया गया है। अब टर्बाइन रोटेट होती है। टर्बाइन रोटेट होने पर अल्टरनेटर और वी कैन से जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टर्बाइन की आउटलेट स्टीम कंडेंसर से पास होने पर कंडेंस्ड स्टीम कहलाती है। इस कंडेंस्ड स्टीम को जनरेटर टैंक में दे दिया जाता है, जिससे इसकी ऑक्सीजन रिमूव होती है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कोल्ड वाटर को कंडेंसर की ट्यूब्स में कूलिंग टावर के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। अब हम बॉयलर एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा आउटपुट है हीट एक्सपोर्टेड बाय आउटलेट स्टीम। हमारा इनपुट है हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल। इसलिए हमारी परसेंट एफिशिएंसी होगी हीट एक्सपोर्टेड बाय आउटलेट स्टीम डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल मल्टीप्लाई बाय 100। इट इंक्लूड्स विद थर्मल एफिशिएंसी, कंबस्शन एफिशिएंसी एंड फ्यूल टू स्टीम एफिशिएंसी। स्टीम बॉयलर एफिशिएंसी बॉयलर के साइज पर डिपेंड करती है। स्टीम बॉयलर की एफिशिएंसी 80% टू 88% तक होती है। बॉयलर की एफिशिएंसी कम होने के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन, मींस फ्यूल का पूरी तरह न जलना। दूसरा कारण होता है स्टीम बॉयलर सराउंडिंग वॉल्स से रेडिएशंस होना। तीसरा कारण होता है डिफेक्टिव कंबस्शन फ्यूल का होना।